तो दोस्तों आज का मुद्दा है ये, और फिर साथ में कुछ झटपट एमसीक्यू भी कर लेंगे ना सर। तो पिछली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मेन टॉपिक था पिछली क्लास में मैं लगभग करा चुका था कि भैया एक तो जय वीरू बसंती वाली बात और टाइम और प्लेस कितना जरूरी होता है ना किसी के लिए। जयमाला वाली बात है ना, राइट। तो जयमाला वाला था प्रोमिसर, तुम थे प्रोमिसिंग, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ये चीज़ें एमसीक्यू लिए याद रखना है ना, अभी देख लेंगे। रेसिप्रोकल प्रॉमिस सर आज का मुद्दा है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है बताओ। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब होता है बिल्कुल दो तरफा मोहब्बत की जाए, दो तरफा प्रॉमिस, है ना। तो बताओ दो तरफा प्रॉमिस कौन से कहलाए जाएंगे सर, रेसिप्रोकल। यानी कि ऐसे कौन से प्रॉमिस होंगे जो रेसिप्रोकल दो तरफा होते हैं, सारे होते हैं। कैसे होते हैं सर, खाली जूते तो पैसे लो नहीं, सारे ही क्या होते हैं भाई। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मेरा वादा क्या है पढ़ाने का, तुम्हारा वादा क्या है? तुम तो बड़ा पढ़ रहे हो, फेंक के ना मारूंगा चक्कू, ना गर्दन ना उड़ाऊं तुम्हारी। तुम्हारा क्या वादा है? फीस देने का। तो मेरा वादा पढ़ाने का, तुम्हारा वादा फीस देने का, तो रेसिप्रोकल हो गया ना। यानी रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक वादे के बदले सामने वाला आपको दूसरा वादा दे रहा है। यानी कि टू प्रोमिसेस कितने, वन प्रॉमिस बिकम द कंसिडरेशन फॉर अनदर। मेरा प्रॉमिस कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे प्रॉमिस का कंसिडरेशन है। तुम्हारा प्रॉमिस क्या है? फीस का। तो तुम्हारे फीस के वादे का मेरा वादा कंसिडरेशन बन गया, नहीं बन गया? अब मेरी तरह सोचो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं है ना, तो तुमने क्या वादा किया? सर फीस दे देंगे चिंता मत करो। तो मेरे पढ़ाने का कंसिडरेशन जो मिला उसे जज साहब ने तुम्हारा वादा बोल दिया। यानी माई कंसिडरेशन इज फीस। पहले हम कंसिडरेशन के चैप्टर में पढ़ते थे, आज इसको थोड़ा सा और दूसरे एंगल से देखना है। माई कंसिडरेशन फीस छोड़ो, फीस तो है ही, मैं कह रहा हूँ माई कंसिडरेशन इज योर प्रॉमिस, है ना भाई। मेरा कंसिडरेशन क्या है? तुम्हारा वादा। और तुम्हारा वादा है क्या? है ना, फीस देना। तो मैं पहले कहता था कंसिडरेशन वाले चैप्टर में कि मेरा कंसिडरेशन है जो तुम मुझे फीस दे रहे हो, आज मैं कह रहा हूं मेरा कंसिडरेशन है जो तुमने वादा किया। मैंने बात तो वही है, रिश्ता वही नहीं, रिश्ता वही सोच नहीं है कि नहीं बात, राइट। तो रिश्ता तो वही है लेकिन सोच क्या है? नहीं है। इसे बोलते हैं सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी दुनिया के सारे प्रॉमिस रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं सिवाय किसको छोड़कर, यूनिलेटरल प्रॉमिस को छोड़कर, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। यानी यूनिलेटरल एग्रीमेंट को छोड़कर, ठीक है ना। तो उसमें हमने पढ़ लिया था रिवॉर्ड, किसी को दान देना, बोनस, याद है क्या? अब सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बेकार में क्या किया, कुछ टाइप बना दिए बेकार में, मजे लेने के लिए। ये ना बनाते तो भी हमें ये पता होता। जज साहब ने बोला पहला रेसिप्रोकल प्रॉमिस होगा साइमल्टेनियस परफॉर्म। साइमल्टेनियस मतलब जूते दो पैसे लो। सर जूते दो पैसे लो मतलब क्या? नहीं, साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है, मतलब इकट्ठा इकट्ठे, यानी अभी के अभी। तो इसे हम अकाउंट्स की भाषा में पता क्या बोलते हैं, अभी के अभी ऑन द स्पॉट, है ना। उसने कहा भाई मैं तेरे को सामान दे दूंगा, उसने कहा जिस दिन सामान देगा उसी दिन पैसे ले लियो। तो अगर दो चीजें एक साथ परफॉर्म होगी इसमें क्या बोलते हैं सर, कुछ रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं जिनमें ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस हम पहले से क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है सर, ये वाला है। मैंने कहा भैया पढ़ाऊंगा बाद में, पहले क्या दे दो, ठीक है। बैंक भी ऐसे करता है, बैंक कह रहा भैया लोन बाद में दूंगा, पहले क्या दे दे, हाँ सामान गिरवी रख दे, है कि नहीं बात, राइट। कुछ रेस्टोरेंट वाले भी ऐसे करते हैं, बीकानेर वाला, वो कहता है भैया सामान बाद में देंगे, पहले क्या ले ले, टोकन ले ले। तो वहां पर इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही क्या है, ये है, ठीक है, राइट। कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पहले फिक्स होगा, तुम कभी भी ये नहीं कह सकते कि भैया पहले सामान दे दे टोकन तो मैं ले लूंगा, ऐसा नहीं होगा। बैंक से तुम ये नहीं बोल सकते कि भैया पहले लोन दे दो गिरवी तो मैं कल आके रख दूंगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे हो ना मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस वाले क्या करते हैं, सोना लेते हैं और लोन दे देते हैं। तो पहले सोना लेंगे या फिर पहले कैश दे देंगे, तो एक्सप्रेसली क्या है, फिक्स्ड है कि नहीं बात, राइट। तो उसे बोलते हैं
रेसिप्रोकल प्रॉमिस, और आपको उसी ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा सर, परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, सेक्शन 52 ने साथ साथ ये भी बोला कि ये भी फिक्स है, और कई बार कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिसमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें पता है पहले कौन परफॉर्म करेगा, है कि नहीं बात, बताने की जरूरत नहीं, पर तुम्हें पता है पहले कौन है ना परफॉर्म करेगा। समटाइम्स समटाइम्स ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस सम इंडिकेटेड नॉट एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली बताया नहीं गया, पर क्या होता है सर, पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से पता लग जाता है कि पहले किसे परफॉर्म करना है। ठीक है, सेम बात मैं कह दूं, अब मुथूट फाइनेंस वाले तुम्हें कह रहे हैं कि गोल्ड लोन मिलेगा और वो आगे कुछ नहीं बोल रहे, तो भैया हमें पहले से पता है क्या होगा, पहले ऑर्डर प्रॉमिस क्या पहले से फिक्स है कि नहीं बात, राइट। अब सिद्धार्थ फेरे ले रहा है, ठीक है राइट, तो लड़की आगे लगती है पहले लड़का आगे लगता है, है ना, लड़की आगे जाती है शायद कि पीछे पीछे घूमना तो जब जिंदगी भर है नहीं बात, अभी से तैयारी कर ले तू। ठीक है, तो इसमें बुरा मानने वाली बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, पहले से इंप्लाइडली फिक्स्ड है, इंप्लाइड समझ गए ना, इंप्लाइड क्वांटिटी बताने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, ये लिखी बात, अगर ए ने बी से कॉन्टेक्ट किया और बी ने बोला कि भाई मैं लोन देता हूँ लेकिन मैं गिरवी सामान गिरवी रखता हूँ, तुम भगली है, तो वो पता करके चला गया, अब उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से पता होना चाहिए क्या, लोन जब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अनटिल यू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, जब तक आप सिक्योरिटी नहीं देंगे, है ना राइट। तो ये ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पहले से बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ट्रांजेक्शन से क्या होता है सर, है ना, पता होता है, ऑलरेडी ट्रांजेक्शन से क्या होता है सर, फिक्स होता है, ठीक है ना, ऑर्डर परफॉर्मेंस इज फिक्स विदाउट एक्सप्रेसली, है ना, डिक्लेयर, इंप्लाइडली तुम्हें पता है क्या होगा, फिक्स होगा, है ना राइट, तुम्हें पता होता है कि भैया ऐसे काम करना। अब अगर तुमने कॉन्टेक्ट किया भी है और ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस मान लो फिक्स करी भी है, तो ये बताओ मैं गोल्ड दे ही नहीं रहा, अब तो लोन भी नहीं मिलेगा, ये बात 54 ने लिख दी, यानी कि भाई सिर्फ क्या है, सिर्फ क्लेरिफिकेशन है ना, ये बात लिखी भी ना होती तो भी हमें पता होती। ठीक है, अब 54 ने बोल दिया भाई जिसने वादा किया कि पहले मैं गोल्ड दूंगा, क्या दूंगा, गोल्ड, अगर वो गोल्ड नहीं दे पाया तो क्या होगा, मुथूट फाइनेंस वाले क्या करेंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस को क्लेम नहीं कर सकते कि भैया मुझे लोन दे दो, अबे तो गोल्ड तो देते पहले, बात समझ में आई, तो सेक्शन 54 इज क्लेरिफिकेटरी पॉइंट, कि मतलब बना दिए कि ताकि बाद में इस बात में क्या ना हो सर, झगड़ा ना हो, है ना। आप ऐसे एक और एग्जांपल देख लो, ए ने कहा बी से भाई मैं तेरे घर में लकड़ी का काम कर दूंगा, दरवाजे दरवाजे है ना विंडो बना दूंगा, ठीक है राइट। बी ने बोला ठीक है तुम मेरे काम कर दो पर लकड़ी मैं ही लेके आऊँगा, तुम पता ना कौन सी लकड़ी लिया है, तो ये कह रहा कोई बात नहीं भैया मैं तो कारपेंटर हूँ, बड़े का काम करता हूँ, तुम लकड़ी दे देना मैं जोड़ दूंगा। अब जिसके घर में लकड़ी का काम करना था वो लकड़ी नहीं ला रहा, फिर तो उसमें बड़े की कारपेंटर गलती है क्या, तो कारपेंटर से आप क्या नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते कि तू घर क्यों नहीं बना रहा, तुम दरवाजे क्यों नहीं बना रहा। तो जज साहब ने बोला कारपेंटर नीड नॉट एग्जीक्यूट द वर्क एंड बी इज बाउंड टू मेक द कंपल, की बी को तो कंपनशन देना पड़ेगा, है कि नहीं बात, खाली बैठा रखा उसे तो लेबर दिहाड़ी तो मांगेगी, अब तुम कराओ ना कराओ क्या देना पड़ेगा, हाँ ठीक है। और ये वाली बात हम पहले ही पढ़ चुके, इसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस फिर से लिख दिया, अगर मान लो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, मैंने पढ़ाना है तुम्हें फीस देनी है, तुमने फीस दे दी मुझे पढ़ाना है, अब तुम पढ़ाने के लिए मुझे क्या कह रहे हो, आज मत पढ़ाओ सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, नहीं वॉइड मत बोल देना, क्या होगा सर, वॉइडेबल। ठीक है, कैसे, अगर मैं चाहूँ तो उस दिन का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दूँ, कैंसिल, अब तुमने मना कर दिया ना, अब काम नहीं कर रहा मैं, और मेरे को मेरे तुम्हारे ऊपर दया आ गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, परसों पढ़ा दूंगा वही चीज़, मैंने कहा चलो ये चैप्टर परसों पढ़ा दूँ कोई बात नहीं, आज क्या कहते हैं बीमार हो रहे हो मन नहीं लग रहा कोई बात नहीं, है कि नहीं बात राइट। लेकिन मैं चाहूँ तो क्या बोल दूंगा भैया परसों ये चैप्टर गया फिर, तो भैया केस करना या ना करना, लड़ना ना लड़ना, जब ऑप्शन बन जाता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, वॉइडेबल। तो बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, गलती करते हैं, वॉइड लिख देते हैं, तो याद रखना, कल ही मैंने तुम्हें बताई थी बात, सेक्शन
15, 16, 17, 18 वॉइडेबल, और वो टाइम और प्लेस वाला उसमें भी वॉइडेबल होता है ना, टाइम पे काम नहीं किया। और रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कोई बंदा अगर आपको रोक रहा है तो भी क्या होगा सर? ठीक है ना, क्या होगा सर? पढ़ के देख लो एग्जांपल। 1000 काम बुक हुआ, बी इज रेडी विलिंग टू डू द वर्क बट ए प्रिवेंट हिम टू डू सो, ये कह रहा है मत कर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल। ए चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है और कह सकता है भैया मेरा पैसा लौटा दे वापस, और ए चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है और क्या मांग सकता है? कंपनसेशन मांग सकता है। याद रहेगी बात? तो भैया जूते दो पैसे लो और मुथूट फाइनेंस, ठीक है, ये दो बात याद रखेंगे। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट सर बहुत आसान है ना, बहुत ही टुच्ची बात, ठीक है। अब मान लो भैया मैंने तुम्हें तीन चीज़ें बेची, कितनी चीज़ें बेची भैया? एक बेचा मान लो मैंने मोबाइल, बेचा मोबाइल है ना, मैंने कहा भैया मोबाइल है 10,000 का। फिर एक मैंने तुम्हें बेच दिया चूहा, चूहा बेच दिया चूहा, तुमने कहा सर चूहा कितने का है? तो मैंने बोला चूहा है भैया 1,000 रुपये का, ठीक है। फिर मैंने भैया तुम्हें मान लो कैलकुलेटर भेज दिया, कैलकुलेटर कैलकुलेटर, तो मतलब कैलकुलेटर बहुत हाई फाई था, दुबई से लाया था मैं, तो ये कैलकुलेटर निकला तुम्हारा 2,000 रुपये, कितने का निकला? 2,000 रुपये का निकला, ठीक है भैया, ठीक है। अब ये भैया ने कहा कि सर ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूँ तीनों। अब जब तीनों खरीदने को तैयार हुए, डील भी पक्की हो गई है ना, ये इस नलायक ने क्या किया? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये दिए और भग लिया, बाकी माल उधार पर। तो तुमने कितने पे किए? यू पे ओनली 2,000। अब ये बताओ, मैं कह रहा था तीन असेट बेच दी, मान लो मैंने तीन चीज़ें बेच दी, अब ये 2,000 रुपये किस पे अप्लाई करूं? कैसे अप्लाई करूं? बोलो कैसे अप्लाई करूं? ओ गोट बोलता क्यों नहीं? अरे यार तुम 2,000 रुपये देगा एंट्री डालूंगा किस पे? नहीं, तुमने मुझे 2,000 रुपये दिए, वो कौन सी लायबिलिटी पे क्लियर कर दूं? मतलब हाँ, किसके किस किसका दाम घटाऊं 2,000 रुपये से? कैलकुलेटर घटा दूं? बोलो, कोई कहे कैलकुलेटर घटा दो, कोई कहेगा माउस चूहा घटा दो। तो जज साहब ने पता क्या लिखा? जज साहब ने लिखा जिसने दिए है ना, डेटर ने दिए, डेटर से पूछो, डेटर बताएगा, कौन बताएगा? अब डेटर कह रहा किसमें घटा दूं? कैलकुलेटर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, है ना, मैंने क्या किया? एंट्री डाल दी है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैलकुलेटर करके एंट्री डाल दिया, कैलकुलेटर का अमाउंट कर दिया नील, और मैंने तुम्हें चिट्ठी भेज दी भाई तेरे 1,000 रुपये चूहे के बाकी हैं, 10,000 रुपये मोबाइल के बाकी हैं, उधारी चुका दियो। क्वेश्चन नंबर 2, ये भड़क गया, कह रहा सर आपने आपने पूछा भी नहीं सर, आप मतलब क्या कहते हैं आप सर ऐसे कैसे कर दिया, ये है वो है ना। अब अगला सवाल आया कि 2,000 रुपये दिए लेकिन डेटर ने कुछ नहीं बताया, अब क्या करूं? ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, कह गाना बज गया पीछे। डेटर मैं कह रहा हूँ भैया, अब भाई बता तो दे, मोबाइल में लटका दूँ, चूहे में लटका दूँ भाई, कैलकुलेटर में लटका दूँ, ये भक्ता चला गया, मैं जा रहा हूँ जल्दी आ, मुझे बाद में दे दूंगा भाई, मैंने बता के नहीं गया। पुराना जमाना है, कोई फ़ोन कॉल भी नहीं है, 150 साल पुराना लॉ पढ़ रहे हम, 150 साल पुराना, अब कोई फ़ोन कॉल भी नहीं। मैंने कहा यार ना बता के गया ना कोई बातचीत, अब क्या चिट्ठी लिखता रहूँगा इतनी बात के लिए, है ना, अब क्या करूं? तो जब साहब ने कहा भाई बेटर कुछ बता के नहीं जाए तो क्रेडिटर क्या करे? हाँ, क्रेडिटर सेल्फ अप्लाई लीगली है ना। अब मेरा क्या मन हुआ, मैंने कहा काम करता हूँ, पहले तो चूहा निपटाता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में चूहा निपटा दिया, चूहा कितने का हो गया? अब फिर मैंने कहा 1,000, 1,000, 1,000 किस में करूँ? एक काम करता हूँ 1,000 इसमें निपटा देता हूँ, तो 1,000 इसके निपटा दिए, अब ये कितने बच गए? और कैलकुलेटर कितने का बच गया?
2000। ठीक है, अब भैया इस बार तुम भड़क गए, कहने लगे सर आप भी ना मजे ले रहे हो, आपको भी ना इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटकने की बड़ी आदत है सर। अरे कैलकुलेटर में निपटा देते, एक चीज़ तो पूरी होती। तो मैंने कहा एक चीज़ चूहा अभी तो पूरा हो गया। कहने लगा अरे सर ऐसे मज़ा नहीं आता सर, है ना, गलत करा आपने, मैं तो अपने वहाँ पे कैलकुलेटर निपटाया है ना, आपने यहाँ पे कैलकुलेटर में लाइबिलिटी दिखा रखी है 2000 की, मेरे यहाँ अकाउंट्स में कैलकुलेटर की लाइबिलिटी जीरो आ रही है। तो मैंने कहा तू बता के नहीं गया, तो मेरे हिसाब से कहीं लड़ने लगा बेचारा। मैंने कहा अजीब आया था, तू बता के जाता कि जो तू आप कह के जा रहा हूँ वही मैं अपने यहाँ करूँगा। अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, अब ये क्या करें, ग्राहक से लड़ थोड़ी सकते हैं। इस बार ये भैया फिर से 2000 रुपये दे के गए और फिर से साइलेंट, जा रहा हूँ अगले क्लास आप बाद में मिलूंगा। मैंने कहा यार ये बड़ा नालायक आदमी भाई, ये बहुत निकम्मा भाई। मैंने कहा यार अगर अपनी मर्जी से डाल दूंगा ना फिर लड़ेगा, है ना, कि तुमने कैलकुलेटर क्यों कर दिया, मैं तो मोबाइल करता। मैंने कहा अब क्या बात करें, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए, बोलो। नहीं अपने, मैं अपने मन से कर ही नहीं रहा, कैलकुलेटर भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जज साहब ने दिया फीफो 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 मेथड लगाओ। नहीं समझे, अरे जो पहले आया वो पहले जाएगा, यानी कि ये देखो कौन सी चीज पहले बिकी। फीफो मेथड फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हलवाई की तरह, हलवाई कौन सी मिठाई पहले बेचता है, जो पहले बनाता है, जो उसने पहले बना दी होगी वो पहले बेचेगा, जो आज बना दी होगी वो पहले नहीं बेचेगा, उसे बोलते हैं फीफो मेथड। अब मैंने देखा जज साहब ने बोला सर तो आपको तो पता होगा ना पहले क्या बेचा। मैंने कहा सर पहले मैंने मोबाइल बेचा, फिर मैंने क्या बेचा था याद आया, फिर मैंने सेकंड में चूहा बेचा और थर्ड में कैलकुलेटर। तो जज साहब ने कहा इसी फीफो मेथड में लगा दो। तो मैंने कहा सर इसी के हिसाब से तो पहले किसके चले जाएंगे, तो ये बच गया 8000, ये बच गया 1000 और ये बच गया। अब जज साहब कहने लगे अब कुछ भी बोले मेरे कह दियो जा केस कर ले जा, मैं समझा लूँगा फिर। ओके तो खुद बता के जा। क्वेश्चन नंबर 4, इस बार हुआ क्या, इस बार हुआ ये कि भैया मैंने चूहा मोबाइल और कैलकुलेटर, है ना, इस बालक को बुलाया और एक साथ गोद भराई कर दी इसकी। क्या कर दी, गोद भराई कर दी, इसकी गोद में तीनों एक साथ रख दिए मैंने, ये ले भाई तीनों के तीनों एसेट एक साथ समान तेरा, गोद भराई हो गई। ठीक है, अब गोद भराई करते ये भी बेचारा अपने रुमाले बांध के भगता चला गया घर, भैया चन्न ने गोद भराई कर दी हमारी, है ना, शादी पक्की कर दी, है ना। अब ये बताओ, अब जब ये फिर से वही नाटक, 2000 रुपये दे के भगता चला गया खुशी में, गोद भराई खुशी में, क्या बोलने का सर भगता चला गया, अब बताओ क्या होगा। ₹2000 पेड एंड ऑल 3 प्रोडक्ट सोल्ड टुगेदर। नहीं अब देखो तुम बता, तुमने बताया नहीं, मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि तुम लड़ोगे। जज साहब ने बोला फीफो फीफो फीफो, फीफो लग नहीं सकता जब मैंने तीनों एक साथ बेचे। तो बताओ क्या आंसर निकलेगा। अरे नहीं ना लायक, जो है जो बचपन से करते आ रहे हैं, तुम्हारे जैसे बालक हो ना तो टीचर आत्महत्या ही कर ले भाई। मैं रेशियो में बांट दो ना, अब 10:1:2 के रेशियो में बांट, यानी 2000 रुपये 2000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10:1:2। अब 2000 रुपये अप्लाई करने को क्या होता, क्या बोला, अप्रोप्रिएशन, क्या बोला, अप्रोप्रिएशन। ये लिखी बात एक्सप्रेसली बताएगा कौन, डेटर। अगर डेटर ने कुछ नहीं बताया तो क्या करेगा, क्रेडिटर एंटाइटल टू अप्रोप्रिएट लॉफुल डेट ड्यू फ्रॉम द डेटर, क्रेडिटर खुद अपनी मर्जी से करेगा। 61 ने क्या बोला, सेक्शन 61 ने बोला कि अगर भैया आप अप्लाई नहीं कर पा रहे और डेटर भी बता के नहीं गया, ऑर्डर ऑफ टाइम, ऑर्डर ऑफ टाइम क्या होता है, फीवो वीवो, है कि नहीं बात। और अगर ऑर्डर ऑफ टाइम भी ना मिले तो, और ये वाली बात बचपन से जानते हैं, अगर तुम्हारे ऊपर उधार भी ड्यू है और ब्याज भी ड्यू है
तो तुम जो भी मुझे पैसा देके जाओगे पहले किस पे लगेगा? पहले ब्याज पे लगता है कि नहीं बात? और भैया आखिरी बात आते, बोलो जय महेश्वते। अब भैया आंटी जी हमारी है ना शिवगामनी, शिवगामनी ने भैया छज्जे पे खड़े हो क्या बोल दिया? अगला राजा होगा महेंद्र बाहुबली। अब महेंद्र बाहुबली बड़े होशियार है ना, कह रहे हैं अगला राजा मैं हूँ, तो ये सारा राज्य किसका हो गया? मेरा हो गया पिताजी के जाने के बाद। कह रहे हैं बापू की असेट असेट लूंगा, बापू की लाइबिलिटी ना लूंगा। अलाउड है या नहीं अलाउड है? क्या मतलब? ऐसा कुछ नहीं है, बोलो है ना। एवर एक उत्तराधिकारी है तो उसके ऊपर पिताजी के जाने के बाद जो भी बिजनेस राज्य सौंपा जाएगा, वो कह रहा पापा की एसेट लूंगा लाइबिलिटी लूंगा, तो पापा के जो है ना क्रेडिटर है बैड डेट मान ले अपना है, और तू डेटर के पीछे लग जा, पैसा निकाल बाप का मेरे है। और क्रेडिटर कह रहे भैया तुम्हारे पिताजी का पैसा हम तो ना दे रहे, हम पे तो है ही ना। और वहाँ डेटर से क्या बोल रहा है, मेरे पापा ने माल बेचा था, क्या निकाल? पैसा निकाल। तो कुछ गड़बड़ नहीं है, लेने के लिए तो तैयार बैठे हो, वो पैसा भी जो पिताजी असेट के नाम पे छोड़ गए, और देने के लिए तैयार नहीं बैठे वो पैसा जो पिताजी लायबिलिटी के नाम का छोड़ गए। तो जज साहब ने बोला उत्तराधिकारी के केस में जीवन में याद रखना असेट लायबिलिटी दोनों ट्रांसफर होती है। क्या होती है? अब असेट लायबिलिटी दोनों बोलेंगे तो अकाउंट्स की भाषा हो जाएगी। तो जज साहब ने बोला बर्डन और बेनिफिट दोनों ट्रांसफर होंगे किस पर? उत्तराधिकारी पर। इसे क्या बोला गया याद रहेगी बात, तो एग्जाम में जब एमसीक्यू में आएगा तो याद रखना सक्सेशन, ठीक है राइट। एग्जाम्पल भी भैया यही लिखा है, लिखा है लिखा ये लिखा महेंद्र बाहुबली विल बी लायबल फॉर द ऑल डेट ऑफ पापा बाहुबली एज वेल एज असेट ऑफ पापा बाहुबली। आप हाँ अब सुनना ध्यान से, लेकिन इसमें एक लोचा है। अब ये थे भैया पापा बाहुबली, पापा बाहुबली की बैलेंस शीट थी, इसमें असेट आ रही थी 1000 करोड़ की और लायबिलिटी आ रही थी 1200 करोड़ की। महेंद्र बाहुबली कह रहा भाई बापू क्या कर गया ये, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। गाना बिल्कुल सही है, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। वो कह रहा है पिताजी तुम तो निकल लिया, तुमने तो बड़ा लोचा कर दिया, असेट बेच कर भी लायबिलिटी नहीं चुका पा रहा, अब बच्चे को इंसॉल्वेंट? बोलो नहीं। जज साहब ने बोला पिताजी की सजा बेटे को नहीं मिलेगी, या अगर बेटा बेचारा अल्लाह को प्यारा हो लिया तो लीगल हेयर्स कौन बने? पिताजी। तो बोझ लीगल हेयर्स पे नहीं डालेंगे। जज साहब ने बड़ी बहुत ही अच्छी बात लिखी, अगर मरने के बाद उत्तराधिकारी के पास असेट इतनी पहुंची है और लायबिलिटी इतनी पहुंची है, तो उत्तराधिकारी को महेंद्र बाहुबली को जेब से पैसा नहीं देना। इसका मतलब पापा की सारी एसेट बेचकर बापू की सारी लायबिलिटी अगर देना चुका देना, और 200 करोड़ की जो लायबिलिटी है वो क्या होगी सर? वो हमारे क्रेडिटर की क्या मानी जाएगी? बैड डेट। तो उसको अपनी जेब से थोड़े दे देंगे भाई हम, हाँ एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है तो मजा है तुम्हारे। पिताजी तुम्हारी एसेट छोड़ के 1000 करोड़ की, लायबिलिटी छोड़ के 800 करोड़ की, तो लायबिलिटी निपटाओ 200 करोड़ का मजा लो। लेकिन अगर रिवर्स हो गया तो तुम्हें जेब से देने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर? ये बात कैसे लिखी है? लिखी बात जितना एसेट मिली है बस उसमें से पे कर दो, समझ गए ना? बोले समझ गए सर? अब देखो ये अगली बात। अब मैंने कहा भैया देखो मैंने ये एक्ट पढ़ा दिया, अगला एक्ट पढ़ाने आएंगे तुम्हें कौन? कौन ये कौन है भैया? नहीं मुरली प्रसाद शर्मा, बापू नहीं आ रहे भाई, दिक्कत आ जाएगी तुम्हें ना। अब मुरली प्रसाद शर्मा पढ़ाने आएंगे, अब मुरली प्रसाद शर्मा जी पढ़ाने आए और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो सब गांधी जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अब तुम कह रहे हो यार क्या चक्कर है, दो क्लास निकल गई है ना, ऐसा लग रहा है गांधी जी पे निबंध लिख रहे हैं है ना, फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है हिस्ट्री का पेपर है जिसके ऊपर गांधी जी के ऊपर पूरा क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा।
अब तू बहुत परेशान, कोई लॉ नहीं पढ़ाया जा रहा, कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, गांधी जी के बारे में पढ़ा रहे हैं, मुरली प्रसाद शर्मा जी तो वही पढ़ाएंगे। अब बताओ लॉ नहीं पढ़ाया जा रहा, तुम किससे शिकायत करोगे? अपने दर्द का निवारण कैसे करोगे? बोलो हैं? उससे पहले तुम कहोगे सर आप ही पढ़ा देते, तो इसका मतलब मैंने अपनी जिम्मेदारी जब मुरली प्रसाद शर्मा को सौंपी तो मुरली प्रसाद शर्मा जी ने बढ़िया नहीं पढ़ाया, तो जिम्मेदारी बिल्कुल मेरे ऊपर क्या गई? मेरे ऊपर आ गई नहीं आ गई? बोलो। बोलता ना बूमरैंग ऐसे फेंकते हैं, वापस घूमता हुआ आ जाता है। खेला बच्चों ने कभी बूमरैंग ही तो बोलते हैं उसे, है ना? ऐसे फेंको घूमता हुआ, वही है। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे फेंका अपनी लाइबिलिटी को तुम्हारे उपर, किसी और मुरली प्रसाद शर्मा के ऊपर, पर मुरली प्रसाद शर्मा जी ने पढ़ाया नहीं तो लाइबिलिटी वापस मेरे ऊपर आ गई, यानी मैं अपनी जिम्मेदारी ट्रांसफर नहीं कर पाया। लेकिन अच्छा मुरली प्रसाद शर्मा जी ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, तुम्हें मज़ा आ गया, तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, तो तुमने मुझे जो फीस दी मुझे उन्हें देनी पड़ेगी, मुझे बेनिफिट देना पड़ेगा। यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें लाइबिलिटी नहीं जाती, सिर्फ क्या जाती है, ओनली असेट जाता है, ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी नहीं जाती। हाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है असाइनमेंट। याद रहेगी बात, दोनों चले गए सक्सेशन, सिर्फ असेट गई है, लाइबिलिटी नहीं गई, असाइनमेंट, है ना? एक सिंपल सी बात भाई, एक बात बताओ, तुमने मुझे फीस देनी है ना? मैंने कहा फीस मेरी जगह पराग सर को दे दो। किसको दे दो? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अबे ऐसे तो करा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ऐसे तो करा है ना छेड़ियो, तुमने लॉ की फीस मुझे दी है, किसको दी है? पराग सर को दी होगी या मैम को दे दी होगी ऑफिस में, तो मुझे कहाँ दी है? तो तुमने ऐसा करा है तभी तो अलाउड है ना, इसका मतलब तुम मेरे डेटर हो पैसे देने के लिए, तो मैंने अपने डेटर दे दिए किसी को। मैंने कहा डेटर मेरे हैं, पैसा आप ले लो, तो बेनिफिट, क्योंकि मेरा बेनिफिट मैंने पराग सर को ट्रांसफर कर दिया। अब इसका उल्टा करते हैं, मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, मुझे देने तुम्हें, मैंने कहा मेरी जगह जाकर सर से ले लो। सर ने कहा पागल हो रहे हो, पैसे अंकुर सर को देने, पैसे मैं दूँ है, निकल यहाँ से। अब तुम क्या करोगे, बैड डेट हो गए तुम्हारे, अब तुम मुझसे माओगे, मैं नहीं दूंगा तो लड़ोगे, सर ये क्या बात हुई, अब वो मना कर रहे हैं तो आप तो दोगे, तो क्या मैं लाइब्रेरी ट्रांसफर कर पाया? लेकिन मैंने अपना पैसा ट्रांसफर किया, ऐसे ट्रांसफर कर पाया? हाँ, जब ऐसे ट्रांसफर करनी होती है सामने वाला झट पकड़ लेता है। अब तुम पैसे लेके पहुंचोगे, अंकुर सर ने कहा आपको दे दो, खट से पकड़ लिए, नहीं पकड़ लिए, अगली बात झट पकड़ लिए। लेकिन अगर मैं तुम्हें कह दूं कि भैया मुझे तुम्हें कुछ रिफंड देना है, पराग सर से ले लो, तो क्या बोलेंगे? अंकुर सर ने कहा ना रिफंड का, उनसे मांग, मुझसे क्यों ले रहा है? तो जस्ट सामने कैसे, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, दुनिया का दस्तूर है ना, राइट? हाँ, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? असाइनमेंट। आपने डेटर ट्रांसफर कर दिए पर क्रेडिटर ट्रांसफर नहीं कर पाए, यानी यू हैव ट्रांसफर द असेट बट नॉट ट्रांसफर द लाइबिलिटी। बात समझ में आ गई? अब देखो मुझे, अब एक और चीज, लेकिन ये चीज पॉसिबल हो सकती है कैसे? मान लो मैं था, मुझे तुम्हें पैसे देने थे, मैंने बोला पैसे किससे ले लो, मैंने बोला पैसे पराग सर से ले लो। अब पराग सर दिल के बहुत बढ़िया इंसान, मैंने कहा टेक मनी फ्रॉम पराग सर। तुम पराग सर के पास पहुंचे, सर अंकुर सर ने बोला है, ए ने बोला है आपसे पैसे लेने, तो पैसा दो, पैसा निकालो। पराग सर ने तुम्हें पैसे देने के लिए क्या कर दिया? यस कर दिया, है कि नहीं बात? तो इसका मतलब मैंने अपनी लायबिलिटी ट्रांसफर करी और सर ने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जज साहब ने बोला मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, खत्म, और एक नए कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होगा, किसका होगा? तुम्हारा और प्रियो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, जिंदा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, जिसे बोला गया नोवेशन। क्या बोला गया? इसे बोलते हैं नोवेशन। क्या बोलते हैं? नोवेशन मींस कि नए कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दे देना, किसी भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके। बस इसके लिए एक चीज जरूरी है, जो जिससे मैं पैसे लेने को कह रहा हूं वो क्या कर दे,
वो हाँ कर दे और तुम उससे कह दो कि ठीक है सर आपकी जगह किससे ले लूँगा पैसे, पराग सर से, तो तुम भी राजी और पराग सर भी राजी, मियाँ बीवी राजी। तो जज साहब ने भैया मुझे मुक्त कर दिया, है ना, जज साहब कह रहे हैं मियाँ बीवी राजी क्या करेगा जी, कोई दिक्कत वाली बात। अब सर ने कहा मैं दे दूंगा पैसे, तुम कह रहे हो हम पराग सर से ले लेंगे, तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, माई लाइबिलिटी डिस्चार्ज, अब पराग सर की लाइबिलिटी जिंदा, अब तुम दरवाजा खटखटाना किसका, बात कर रहा हूँ, समझ गए मुन्ना। तो ये हो गया नोवेशन, क्या हो गया नोवेशन। अब सर झटपट झटपट, अभी तो है 15-20 मिनट, क्वेश्चन भी हो ही जाएंगे, ज्यादा देर मत लगाना मुन्ना मुन्नी, इसी चैप्टर का है, नाटक मत दिखाना। बताओ रे पुष्पा टेंडर का मतलब क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही बात, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, डिमांड रिक्वेस्ट कि भैया आओ पढ़ लो यार, तुम कह रहे हो ना मैंने पढ़ रहे, याद आ गई बात, अभी पढ़ा पिछले लेक्चर में। सेकंड बोलो, बिल्कुल सही, अटेम्प्ट माना जाएगा, बहुत बढ़िया। थर्ड बोलो, हाँ चलो बता देता हूँ, कौन सा टेंडर, कौन सी रिक्वेस्ट होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, तो आप क्या रखोगे टेंडर ऑफ मनी, है ना। अब जैसे मान लो तुम मैं फीस लेके आए, तुमने टेंडर किया मुझे, सर प्लीज़ पैसा ले लो, मैंने कहा भैया अरे आज तो शनिवार है पैसा नहीं लेता मैं, तो तुमने कहा हमने कहा सर ने मना कर दिया, अटेम्प्ट किया हमने सर ने मना कर दिया, तो पैसा नहीं देना, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा पैसा देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है ना, सम्मान उम्मान का, लेकिन पैसा देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, तो याद रखिए बात, ठीक है। फोर्थ बताओ, अरे नलायक नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं है। टेंडर कौन सा होता है, जब मैंने तुम्हें बोला और तुमने पढ़ने से मना कर दिया, है ना, तो कंडीशन प्रॉमिस ये सब क्या बातें होती हैं। पांचों बताओ, जय वीरू बसंती, इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिसेस आर अलाइव परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिमांडेड बाय, बोलो द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिमांडेड बाय, ये कौन सा केस हुआ, जॉइंट प्रोमिसी वाला केस है, जॉइंट प्रोमिसर वाला केस नहीं, नलायक हो नशे में ही हो तुम, अरे वो रिवर्स वाला केस है, इसमें जय वीरू बसंती लोन देते हैं, ये जो तुम सोच रहे हो ये है जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसर बताओ, द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिमांडेड फ्रॉम, हाँ बाय एनी और मोर ऑफ द जॉइंट इन केस ऑफ ऑल जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसर अलाइव है यानी जय वीरू बसंती, द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिमांडेड फ्रॉम एनी वन और मोर ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। सेवेंथ बताओ, टू और मोर पर्सन हैव मेड जॉइंट प्रॉमिस, यानी टू और मोर कौन हो गए, द अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑल सच पर्सन मस्ट फुलफिल प्रॉमिस जॉइंटली एंड सेवरली, अरे वो और लिखा है और यहां एंड लिखा है, तो लॉ में क्या लिखा है, लॉ में क्या लिखा है, जॉइंटली एंड सेवरली, जय वीरू बसंती की लाइबिलिटी क्या होती है। एट बताओ, कौन सा झूठ है, झूठ पहचानना, झूठ सही, बिल्कुल, ठाकुर साहब के मना करने की वजह से जय बसंती जय वीरू को थोड़ी मना कर देगी, तो वही तो लिखा है कि अगर ठाकुर साहब ने फ्री कर दिया
तो इसका मतलब ये नहीं है कि अदर जॉइंट लाइबिलिटी आपके दूसरे ने फ्री कर दिया। नाइन बताओ, इन केस द प्रोमिसर मस्ट अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस, इसमें प्रोमिसर को परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई मतलब फोन मिलाना पड़ेगा। हाँ, अगर प्लेस नहीं है, परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या करेगा, अगर कॉल कॉल भी ना पूछ पाए तब वो वहां मिलेगा जहां पे वो किया था। 10 और 11, किस केस में टाइम एसेंस है, तीनों में टाइम एसेंस है, सही बात। 11, किस में टाइम एसेंस नहीं मानेंगे, बोलो। अरे बी, क्योंकि प्राइस अगर नहीं दिया जाता तो प्राइस तो बाद में भी देना पड़ेगा ना, ठीक है, यानी प्राइस को लेकर तो फिर हाँ। बारह बताओ, सही बिल्कुल, चलो कम से कम याद तो आ गया, वरना बच्चे वॉइड लगाते हैं इसमें। 13 और 14, सही बिल्कुल, 14 बताओ, कंपनी से ले लो, बिल्कुल सही बात। 15 से 20, अभी तो बड़ा है नलायक हो, मेरा प्रॉमिस तुम्हारे लिए कंसिडरेशन, तुम्हारा प्रॉमिस मिल जाएगा। 16, नहीं रैसे से तुम प्रोमिसर भी हो और मेरे लिए प्रोमिस भी है ना, एवरी कॉन्ट्रैक्ट जैसी कोई चीज थोड़ी पड़ी हमने। म्यूचुअल एंड कॉन्क्रेंट, सही बात, साइमल्टेनियसली वही तो होता है, म्यूचुअल एंड कॉन्क्रेंट, हाथ की हाथ और बिल्कुल ऑन द स्पॉट। 18, इसका होगा म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। 19, कैश सेल्स, म्यूचुअल एंड कॉन्क्रेंट, जूते दो पैसे लो। 20, सही, चलो रट लिया तुमने, ये बहुत बढ़िया है ना। 21, अभी बढ़ाया, हाँ, राइट्स जाते हैं लाइबिलिटी नहीं जाती, यानी राइट का मतलब क्या है, असेट है ना। 22, नलायक उल्टा बोल रहे हो, कैन नॉट बी असाइन, ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी थोड़ी असाइन कर दूंगा किसी के ऊपर, असाइनमेंट में क्या होता है, अभी पढ़ा है, असाइनमेंट में क्या होता है, सिर्फ असेट असाइनमेंट होती है, लाइबिलिटी असाइन नहीं होती। 23, एक्शनेबल क्लेम कैन असाइन बाय राइटिंग, एक्शनेबल क्लेम मतलब हो गया जैसे लॉटरी है ना, जो चीज एक्शन करे, जैसे भैया मैंने कहा भैया लॉटरी, डेटर, और कौन होगा भैया, डेटर, मैंने कहा भैया डेटर है मुझे पैसे मिलने हैं, मैंने कहा मेरे डेटर इसको पैसे दे देना, तो मैंने अपने डेटर क्या कर दिए, असाइन कर दिए पराग सर को, तुमने पराग सर को तो दिए। 24, डेटर, भैया डेट, एक बार बताओ, अगर मुझे अपना पैसा पराग सर को देना है तो तुम मेरे डेटर हुए, तो तुमको तो नोटिस दूंगा कि भैया पैसा किसको देना, उनके पास पहुंच जाना, पैसा उनको पेमेंट कर देना।
असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टेक्स प्लेस, अरे डेथ के केस में ही तो होगा, और इंसॉल्वेंसी एग्जाम में भैया कुछ उल्टा सीधा मत लिखा ना, पढ़ना जरा क्या लिखा है। When after the formation of valid contract, an event happens which make performance of contract impossible. अरे भैया impossible, impossible यानी impossible पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया है ना, अभी नहीं पढ़ा impossible वाला contract। हाँ impossible मतलब होना अब नहीं हो सकता, impossible से क्या होगा सर, चांद तारे तोड़ के लाना, अरे तो void नहीं है impossible। अब तुम भैया वॉइड वाले गलत कर दोगे, वॉइड वाले चक्कर में। 27 अभी पढ़ा है, एप्रोप्रिएशन चूहा और वो है ना, हाँ तुम नहीं बताओगे तो मैं करूंगा अपने हिसाब से, अभी पढ़ा है मोबाइल चूहा। 28 तुमने इसका आंसर दिया था जब मैंने पूछा था है ना। 29 लीगल रिप्रेजेंटेटिव के, हाँ तो 5000 से ऊपर, अरे पापा बाहुबली जितना छोड़ गए उतना ही तो बेटा देगा, अपनी जब छोड़ देगा, पिताजी कितना छोड़ गए 5, बेटे के पास लाइबिलिटी कितनी थी पिताजी की 20, तो बेटा जेब से क्यों देगा भाई, 5 ही तो दोगे 30। हाँ इज नॉट डिस्चार्ज, अगर फैक्ट्री में स्ट्राइक हो रही है, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो रही है और कह रहा है सर इस हफ्ते में क्या नहीं कर पाऊंगा, माल नहीं भेज पाऊंगा इस हफ्ते क्योंकि स्ट्राइक चल रही है फैक्ट्री में, लेबर को समझाना पड़ेगा, तो अभी तुम वॉइड क्यों कह रहे हो, तुम कहोगे ठीक है भैया कंटिन्यू रख अगले हफ्ते दे दियो कोई बात नहीं। चल कंपेल्ड का मतलब बोलना कहना, तुम्हें कहा जा रहा है भाई फीस ला दो, उसे बोलते कंपेल। 31 एबीसी जॉइंट प्रॉमिस टू पे, यानी जयवीरू बसंती, ए वॉज कंपेल्ड बाय द डी टू पे द एंटायर अमाउंट। ए बी सी थे, ए ने कितने दे दिए पूरे 120, अब वो किससे मांगेगा, कितने कितने मांगेगा, तो फिर आंसर क्या होगा फिर। अबे सिंपल सी बात को तुम उल्टी सीधी तरीके से बोल रहे हो। 32 33 जॉइंटली बोरोड है, जय वीरू बसंती ने पैसा लिया है ठाकुर साहब से, ये वाला केस है वो, समझ गए ना, सेक्शन 45। हाँ सही पहचाने हैं है कि नहीं बात, किससे रिकवर करेगा सर वो। Which of the following is correct? है ना 33 बताओ। सच पहचानना है सच। बोलो 3 4 एक बालक ये कह रहा है। Even if proposal is not accepted, it become valid. अबे बिना एक्सेप्टेंस से कैसे हो जाएगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सलमान और रानी वाली बात थी, ये तो है भैया झूठ है ना। अगला बताओ, एग्रीमेंट विच आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी कैन बी एनफोर्स, अरे ये भी क्या है, एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्स थोड़ी हो सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी क्लेम कंपनसेशन फॉर लॉस, ये सच है, ये पढ़ेंगे भी आगे, धोखे के बाद धोखा हो गया तो क्या होगा,
टू और मोर पर्सन आर सेट टू बी कंसेंटेड एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस कंसेंसस एरिडम, है ना, सेक्शन 13 कंसेंसस एरिडम, एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. आंसर क्या होगा? सी. यानी कि 3 और 4 इज करेक्ट. समझ गए, है ना? तो भैया होश में पढ़ लेना, बिल्कुल होश में. तुम्हें तो बात समझ में आ चुकी होगी. हाँ, यही था ना आखिरी क्वेश्चन. यस. टाटा बाय बाय, टेक केयर. जय महेश्वरी.